नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आपका स्ट्रेट जीरो चैनल पर स्वागत है। दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये जो मध्य प्रदेश GS2 का हम लोग जो सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर। आज के लेक्चर में दोस्तों हम लोग ये जानेंगे कि जो आपका GS2 का सिलेबस है, जिसमें मैंने आपको लास्ट टाइम मैं बताया था कि हम उसको कवर करेंगे, लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए बेस्ट बुक है, ठीक है, बेस्ट बुक। तो इसमें से ये बुक, वैसे तो इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, कुछ 76-77 चैप्टर्स हैं, लेकिन ये सारे चैप्टर हमें MPPSC के लिहाज से पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमें उन्हीं चैप्टर को पढ़ने की जरूरत है जो हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि लक्ष्मीकांत से हमें कौन कौन से चैप्टर कवर करने हैं। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, सो दैट देखिए, लक्ष्मीकांत की बुक मेरे ख्याल से हर एस्पायरेंट के पास होती है। जिनके पास नहीं है उनको मैं PDF फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है, वो लोग इसको ले सकते हैं। मैं टेलीग्राम वाले चैनल पे अपलोड कर दूंगा या फिर क्या कहते हैं व्हाट्सएप चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से इसको अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो लक्ष्मीकांत है उसके कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिससे हम अपना सिलेबस कवर करने वाले हैं, और जो बाकी के हैं वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। जो बचे हुए चैप्टर्स हैं जिनको हम लक्ष्मीकांत से कवर नहीं करेंगे, तो उनको हम कहां से कवर करेंगे, योजना से करेंगे, कुरुक्षेत्र से करेंगे या इंटरनेट मटेरियल से करेंगे, ठीक है। उसके लिए जो योजना, कुरुक्षेत्र या इंटरनेट का मटेरियल होगा वो मैं आपको डेडिकेटेड वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा जो भी रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। तो बताता हूं मैं आपको, जैसे ये देखिए, ये वाला जो पोर्शन है हमारे सिलेबस का GS2 का, ये मैक्सिमम पोर्शन हम लोग किससे कवर कर रहे हैं, लक्ष्मीकांत से कर रहे हैं, ठीक है। प्लस और कौन सा सिलेबस, इसमें से ये वाला सिलेबस, इलेक्शंस, डेमोक्रेसी एट वर्क, उसके अलावा ये, बस ये मतलब जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसके इतने सारे लेक्चर्स हम लोग कहां से कर रहे हैं, लक्ष्मीकांत से कवर कर रहे हैं। ये सारे पार्ट और ये वाले, मतलब जो स्पेशली हमारा फर्स्ट वाला सब टॉपिक है उसके जितने भी सब पार्ट्स हैं उनको, सब पार्ट्स में फर्स्ट वाले सब टॉपिक के 10 जो सब पार्ट्स हैं वो हम लक्ष्मीकांत से कवर करेंगे। उसके अलावा ये हम अलग से देखेंगे, ये वाला भी अलग से देखेंगे, ये अलग से देखेंगे, ये अलग से देखेंगे, ये वाला पार्ट अलग से देखेंगे, ये अलग से देखेंगे, ये वाला पार्ट जो है 8th वाला पार्ट, ये हम लक्ष्मीकांत से देखेंगे, ठीक है। कहां से देख रहे हैं, लक्ष्मीकांत से, और ये वाला पार्ट भी हम लोग लक्ष्मीकांत से देखेंगे, और प्लस थोड़ा सा इंटरनेट का मटेरियल होगा जो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, प्लस इंटरनेट, और ये वाला पार्ट भी अलग से देखेंगे। तो यानी हमारा जो फर्स्ट 1.1 से लेके 1.10 तक, उसके बाद हमारा हो गया पार्ट 8 और 9, ये सारे पार्ट हम लोग कहां से देख रहे हैं, लक्ष्मीकांत से देख रहे हैं। अब हम इसी में अब हम लोग देखते हैं कि चलिए जो आपका लक्ष्मीकांत है उसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने की जरूरत है। वो चैप्टर या तो आप खुद से पढ़ सकते हैं या जो मैं वीडियोस बना रहा हूं आप उनको देख के भी पढ़ सकते हैं। सो लेट्स सी वीडियोस ऑफ दी क्या कहते हैं लक्ष्मीकांत और दी चैप्टर्स ऑफ दी। तो दोस्तों ये देखिए, ये क्या है, आपकी लक्ष्मीकांत बुक है, लक्ष्मीकांत के ये चैप्टर्स हैं। हम लोग एक एक करके ये देखते हैं कि किन चैप्टर्स को हमें MPPSC की प्रिपरेशन के लिए पढ़ने की जरूरत है। सबसे पहले जो ये जो लक्ष्मीकांत का पार्ट 1 है, इसमें से आपको सेकंड चैप्टर पढ़ने की जरूरत है जिसमें दिया हुआ है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अलावा आपको कौन सा थर्ड चैप्टर, यानी सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी मैंने ये हाईलाइट कर रखे सिर्फ वही चैप्टर आपको पढ़ने की जरूरत है। आप इन चैप्टर को खुद से भी पढ़ सकते हो या फिर मैं जब वीडियोज बनाऊंगा तो आप उनको देख सकते हो। फोर्थ वाला पार्ट जिसमें प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात की गई है, आपको फिफ्थ चैप्टर नहीं पढ़ना, आपको सिक्स्थ चैप्टर नहीं पढ़ना, सेवेंथ फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपको पढ़ने की जरूरत है, उसके अलावा एट्थ चैप्टर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो आपको पढ़ने की जरूरत है, फंडामेंटल ड्यूटीज आपको पढ़ने की जरूरत है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट किस तरीके से किया जाता है, कौन सी प्रोसीजर फॉलो की जाती है, उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, ये वाला चैप्टर पढ़ने की जरूरत है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इस चैप्टर के ऊपर हम लोग वीडियो बनाएंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या है। अब आते हैं पार्ट 2 जिसमें सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दिया हुआ है, हम देखेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, फेडरल सिस्टम क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में बात करेंगे। 15th चैप्टर आपको नहीं पढ़ना MPPSC के लिए, 16th चैप्टर आपको नहीं पढ़ना। फिर पार्ट 3 में जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो आपको पता होगा उसमें दिया हुआ है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव और सेंट्रल लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव में आते हैं आपके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स,
ठीक है, वैसे तो बस यही आते हैं एग्जीक्यूटिव में, लेकिन जस्ट फॉर दी सेफर साइड हम लोग कैबिनेट कमेटी और ये पार्लियामेंट क्यों पढ़ना है, क्योंकि लेजिस्लेचर आपको दिया हुआ है, सेंट्रल लेजिस्लेचर, तो पार्लियामेंट पढ़ने की जरूरत है आपको, पार्लियामेंट्री कमिटीज पढ़ने की जरूरत है और पार्लियामेंट्री फोरम्स पढ़ने की जरूरत है, पार्लियामेंट्री ग्रुप क्या होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेंट्रल लेजिस्लेचर वाला पार्ट, सेंट्रल हमारा क्या क्या हो गया, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में हमें क्या पढ़ना है ये पता चल गया, और सेंट्रल लेजिस्लेचर में क्या पढ़ना है ये पता चल गया। अब बात करते हैं ज्यूडिशियरी में, सुप्रीम कोर्ट आपको पढ़ने की जरूरत है, ज्यूडिशियल रिव्यू पढ़ने की जरूरत है, और क्या कहते हैं ज्यूडिशियल एक्टिविज्म पढ़ने की जरूरत है कि ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, पीआईएल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा सेंट्रल पार्ट। अब बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट, यानी जो स्टेट वाला पार्ट है उसमें से क्या पढ़ना है, तो उसमें दिया हुआ है स्टेट एग्जीक्यूटिव, यानी स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन आता है, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, स्टेट, अब बात कर रहे हैं स्टेट लेजिस्लेचर में, तो स्टेट लेजिस्लेचर की बात करेंगे, फिर स्टेट ज्यूडिशरी में हमें हाई कोर्ट पढ़ना है और सुप्रीम सॉरी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पढ़ना है। तो ये वाला पोर्शन 36th वाला पार्ट आपको नहीं पढ़ना एमपीपीएससी के लिए, 37th लेक्चर आपको नहीं पढ़ना एमपीपीएससी के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं लोकल गवर्नमेंट की, तो लोकल गवर्नमेंट में हमें क्या क्या पढ़ने की जरूरत है, इसमें हमें पढ़ने की जरूरत है कि क्या कहते हैं पंचायती राज सिस्टम क्या है हमारा, ठीक है, पंचायती राज सिस्टम क्या है तो इसको पढ़ेंगे हम लोग। उसके अलावा म्यूनसिपैलिटी, आप लोग अगर उसमें देख रहे होगे अपने सिलेबस में, तो लोकल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है जिसमें आपको रूरल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना है और अर्बन गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना है, तो ये दोनों आ जाएंगे हमारे म्यूनसिपैलिटी और क्या कहते हैं म्यूनसिपैलिटी आ जाएगा और हमारा पंचायती राज आ जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग आगे चलें तो हमें और क्या पढ़ने की जरूरत है, एक सेकेंड जस्ट होल्ड करना, ओके। उसके अलावा हमें, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट वाले पार्ट में, जिसमें पार्ट कौन सा है हमारा, ये पार्ट 6। पार्ट 6 में मैं आपको शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में पढ़ाऊंगा। हमारे लेक्चर में ये स्पेशली मेंशन नहीं है, मतलब हमारे सिलेबस में स्पेशली मेंशन नहीं है, पर इसको हम फिर भी क्यों कवर करेंगे, क्योंकि एमपी में एससी और एसटी की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं पार्ट 7 की, जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो आप अगर अपना सिलेबस देख रहे होगे तो इसमें इलेक्शन कमीशन आपको दिया हुआ है, ठीक है, उसके अलावा पब्लिक सर्विस आपको दिया हुआ है, तो पब्लिक सर्विस में अपन हम पढ़ेंगे यूपीएससी, एसपीएससी, मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन क्या होता है। उसके अलावा आप देख रहे होंगे जिसमें आपको लिखा होगा कंट्रोल ओवर दी फाइनेंशियल कंट्रोल, तो उसके लिए फाइनेंस कमीशन पढ़ेंगे। एससी और एसटी की पॉपुलेशन ज्यादा है और उसमें सिलेबस में भी लिखा हुआ है कि आपको एससी एसटी ओबीसी वुमेन ये सारे कमीशन के बारे में पता होना चाहिए, तो एससी कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, एसटी कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। कैग के ऑफिस के बारे में डायरेक्टली आपके सिलेबस में मेंशन है, तो ये वाला जो आपका चैप्टर है इसको हम लोग कवर करेंगे। अब आगे चलते हैं अटॉर्नी जनरल वाला जो पार्ट है इसको कवर करना है, जो कि स्पेशली आपके सिलेबस में मेंशन हुआ है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वाले पार्ट में आते हैं, तो इसमें हम लोग देखेंगे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, ये प्रिलिम के लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, मेंस तो है ही और प्रिलिम्स। इंफॉर्मेशन कमीशन डायरेक्टली आपके में मेंशन है, तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन देखेंगे। उसके अलावा उसमें दिया हुआ है कि कुछ रेगुलेटरी बॉडीज जिसकी वजह से क्या कहते हैं डेमोक्रेसी फंक्शन करती है या ट्रांसपेरेंसी होती है, तो इसके लिए हम लोग सीवीसी देखेंगे और सीबीआई देखेंगे। उसके अलावा लोकपाल और लोकायुक्त डायरेक्टली मेंशन है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब बात करते हैं अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन के बारे में, तो इसमें हम लोग बात करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज, क्योंकि ये आते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कह सकते हो, या फिर जो आपके सिलेबस में एक टॉपिक लिखा हुआ है कि क्या कहते हैं जो क्या कहते हैं सिटीजन पार्टिसिपेशन, तो उसके लिए कोऑपरेटिव बॉडीज के बारे में पढ़ना काफी जरूरी है। अब बात करते हैं पब्लिक सर्विस, ये डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन है। उसके अलावा ट्रिब्यूनल्स जो है वो ज्यूडिशियरी का पार्ट हो जाएगा। फिर आपको 64-65 नहीं पढ़ना है, ये स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस, ये वाला हम लोग चैप्टर देख लेंगे, ठीक है। इसमें कुछ सर्टेन क्लासेस होती हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविजन है, जैसे प्रेसिडेंट है, गवर्नर की पोस्ट हो गई, या फिर और भी कुछ लोग हो गए, ठीक है, तो उनके लिए। अब हम लोग बात करते हैं पार्ट 10 में आपको क्या पढ़ने की जरूरत है। आपको इसमें पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ने की जरूरत है, इलेक्शन पढ़ने की जरूरत है। उसके अलावा ये वाला 69 चैप्टर नहीं पढ़ना है आपको एमपीपीएससी के लिए। इलेक्शन लॉज पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि इलेक्शन आपके में मेंशन है इसलिए जानना जरूरी है। उसके अलावा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो कि डायरेक्टली मेंशन है, तो ये पढ़ेंगे। आपको 72 चैप्टर नहीं पढ़ना है, जो भी इसका क्रक्स होगा वो मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा। प्रेशर ग्रुप क्यों पढ़ना है, क्योंकि आपके में एनजीओस वगैरह दिए हुए हैं, इसलिए हम लोग प्रेशर ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा आपको 74 चैप्टर नहीं पढ़ना है,
75 चैप्टर नहीं पढ़ना है। उसके अलावा ये जो 76th चैप्टर है ये भी नहीं पढ़ना है। ये जितनी भी मैंने आपको चीजें बताई ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, आप अपनी एनालिसिस या अपने हिसाब से भी पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो सारे चैप्टर भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं किन लेक्चर्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा या कौन से लेक्चर आपको पढ़ने की सबसे ज्यादा जरूरत है। उसके अलावा उसमें कुछ और भी चीजें दी हुई हैं, जैसे कि शेड्यूल्स ऑफ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका शेड्यूल भी आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से शेड्यूल्स हैं, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो अपेंडिक्स है इसमें से हम लोग देखेंगे आर्टिकल्स के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में, ये दो चीजें आपको जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके अलावा हम लोग बात करेंगे इसमें ये नहीं करना है, ये नहीं करना, बस, तो ये सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का लेक्चर काफी पसंद आया होगा। अब आपको एक थोड़ी सी क्लैरिटी मेंटेन हो गई होगी कि आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि देखिए जब आप ऊपर से देखते हो तो आपको लगता है इतना सारा पढ़ना है, लेकिन जब आप उसकी डेप्थ में जाते हो तो आपको पता चलता है एक्चुअली में आपको क्या क्या पढ़ना है। प्लस जिनके पास भी लक्ष्मीकांत बुक नहीं है वो मुझे बता दें, मैं उनको पीडीएफ फॉरवर्ड कर दूंगा। इसको ये जो पीडीएफ है जिससे मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप या फिर इंस्टामोजो वगैरह पे अपलोड कर दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आएगा डायरेक्ट लेक्चर ऑन लक्ष्मीकांत, फर्स्ट लेक्चर यानी GS2 का सिलेबस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।